हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे मेरी तरह स्वस्थ और मस्त। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गीत खाती व्लॉग्स में। और अभी सुबह के 5:30 हो रहा है टाइम, और मैं जल्दी उठी हूँ आज। इसीलिए जल्दी उठी हूँ क्योंकि रात के बर्तन धोए नहीं है मैंने। जिस दिन रात के बर्तन नहीं धोती हूँ उस दिन जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि स्कूल के लिए देर हो जाती है। तो मैं उठ गई हूँ, और आज बाहर कोहरा भी नहीं लगा हुआ है। कल भी थोड़ा हवा चल रही थी और मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा था, उस वजह से थोड़ा ठंडा पड़ रखा है आज सुबह। बाकी तो ठीक है। तो मोटो अभी सोए हुए हैं, इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। मैं जाती हूँ सीधे किचन में और बर्तन धोना स्टार्ट करती हूँ, और फिर मैं आज गोभी की सब्जी बनाने वाली हूँ। देखते हैं आगे क्या क्या होता है व्लॉग में। गाइस, बर्तन धो लिए हैं और कुकर में मैंने गोभी रख दी है उबलने के लिए। उसके कीटाणु मर जाएंगे, उसके बाद उसे मैश करके उसके पराठे बनाएंगे। तो तब तक इसको उबलने तक मैं जाती हूँ कूड़ा फेंकने के लिए। कूड़ा भी काफ़ी हो रहा है, अभी उजाला भी नहीं हुआ है और मैं कूड़ा फेंक के आ गई हूँ। अभी लाइट जली हुई है। तो गाइस, मेरी गोभी पक गई थी और मैंने इसको निकाल दिया है। अब मैं इसको फ्राई करूँगी थोड़ा सा। बिना फ्राई करे भी बनाने की सोच रही थी मैंने, इसी में हल्दी और मिर्ची नमक सब कुछ डाल दिया था, लेकिन अब सोच रही हूँ फ्राई कर लेती हूँ। तब तक आटा गूंदने तक ठंडा भी हो जाएगा। तो ये बिल्कुल फ्राई हो चुकी है और मैंने इसको मैश कर लिया है। और मैं अभी थोड़ा सा धनिया काट के रखा है, तो इसमें धनिया मिक्स कर लेती हूँ। धनिया भी मैंने कुछ ज़्यादा ही काट दिया आज। तो वैसे आटा गूंद दिया है मैंने, और अब मेरा जो गोभी है वो भी ठंडा हो गया है। तो अब पराठे बनाने की कोशिश करते हैं, अगर बनते हैं तो ठीक, अगर फटते हैं तो भी खाने ही है हमने। तो गाइस, शुरू करते हैं फिर अब पराठे बनाना। पहले इसको गोल करके बेलना पड़ेगा, फिर इसके अंदर भरना पड़ेगा हमने मटेरियल जो भी है। अब देखो ये बनती है या नहीं बनती है, ये भी ठंडा नहीं हुआ अब अच्छे से। फटने का डर है मुझे तो। रोटी तो मेरी इतनी मोटी और फटने ऐसी ही है, फट रहे हैं यार, ये क्या करूँ अब, क्योंकि मैंने आप फ्राई कर रखा है ना इसलिए फट रहे हैं। इसको ठंडा होने देते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, और आज हमारे बन रहे हैं पराठे, वो भी गोभी के, और सारे प्रयोग जो है स्वादिष्ट ये हमारे खाने के लिए लगातार किए जाते हैं। कोई सफल होते हैं और कोई असफल होते हैं, तो आज का प्रयोग कुछ हद तक सफल रहा और कुछ असफल होने जा रहा है। देखते हैं अंत तक कि क्या परिणाम इसका निकलता है। एक रोटी अच्छी बनी लेकिन दूसरी रोटी देख सकते हैं यहाँ पे फट फुट के बाहर आ गई है, कुछ तो हाथ से करना पड़ता है। चलो अच्छी बात है। इतना बड़ा पराठा आपने शायद ही देखा होगा, टेढ़ी मेढ़ी रोटियां बन रही है, पता नहीं क्या हो रहा है ऐसा, ये पहली बार ऐसा बनाया और ऐसा हो रहा है। तो गाइस, मेरे पराठा बनाने का एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है और मैं पास नहीं हो पाई, क्योंकि इतने बड़े बन रहे हैं, कोई कोई फट जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, इनसे पूछ लो ये खा रहे हैं। ठीक बने करारी तो टेस्टी होते हैं। चलो ठीक है। मैं तो यार पहली बार ही बनाया और वो भी इतने गंदे बन रहे हैं, तो एक तो पूरा फट गया है और ये थोड़ा ठीक बना है, ये वाला ये हाथ भी जल रहा है, और एक की तो हालत खराब हो रही है, उसको तो नहीं दिखाती हूँ, आप भी हंसी करोगे। मैं 2-3 बच्चे ट्यूशन वाले आए हैं, ये बहुत ही खतरनाक है यार, इन्होंने मेरे हंसते हंसते प्राण निकाल दिए। जाओ जाओ फटाफट जाओ, स्कूल का टाइम हो रहा है। आयुष जाना नहीं है क्या, देर हो रही है, तो अब मैं ब्रश कर लेती हूँ। अब तो मैंने ब्रश नहीं किया है, थोड़ा लेट हो गई हूँ आज, आज मेरी देर होने वाली है मुझे ऐसा लग रहा है। ई है ये, ई भाई साहब ये जा रहे हैं अपने घर, यहाँ से गए अमन, यहाँ से तो जाओ फिर जाओ भाई, स्कूल की देर होने वाली है आज, और धूप भी आ गई है दोस्तों, और आज कोहरा नहीं लगा है, बढ़िया हो रहा है मौसम। तो गाइस, 8 बज गया है, अभी तक बस नहीं आई है, यहीं पर रोड है, इंतजार कर रहे हैं हम बस का, रोड में तो जाना ही पड़ेगा, और अलीशा भी है मेरे साथ, तो हम जाते हैं रोड में तक। हेलो गाइस, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो फिर।
गाइस हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है और हम बस में बैठे हैं। सी महारानी इसका हुलिया तो देखो, जूते पहन के चुस्सी लगा के घूमने जा रही हो। किधर जा रही हो युविका? अभी युविका और मैं छत पे हैं और युविका अभी अभी उठी है, इसके मुंह से निप्पल निकल गया अब, और हम छत पे थोड़ी देर खेलेंगे ना। युवी गाड़ी कहाँ गई तेरी आज? साइकिल? साइकिल लल ढूंढ के ला, फिर चलाएंगे थोड़ी। तू थोड़ा थोड़ा चलाएगी, थोड़ा मैं चलाऊंगी। हाँ अभी शाम के 5 बज चुके हैं दोस्तों, और हल्का हल्का अंधेरा होने लग गया है, धूप चली गई है और मैं छत पे आई हूँ। अभी ठंडा काफ़ी कम हो गया है, गर्मी आने लग गई है, तो छत पे टहलने के लिए। महारानी लक्ष्मी बाई यहाँ पे। तो गाइस अभी हम छत पे हैं और आज काफ़ी दिनों के बाद घर से बाहर निकले हैं, अभी तक एक कोड़े में बैठे थे। ये इतने लंबे हैं कि मुझे 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ के इनसे बात करनी पड़ती है, और जब नीचे चली जाऊंगी तो फिर मैं इनके कंधे में भी नहीं पहुंचती। तो दोस्तों आज के खाने में हम चिकन बनाने वाले हैं। काफ़ी दिनों से मन कर रहा था खाने का, लेकिन कल मंगलवार था इसलिए नहीं बनाया, उससे पहले भी कुछ ऐसा ही हो गया था। तो आज हम चिकन लेके आए हैं, तो हम इसको कुछ अलग तरीके से बनाने वाले हैं, इसको फ्राई करके बनाने वाले हैं। तो इसमें हल्दी, नमक, मिर्च और कॉर्नफ्लोर भी डाला है, जो चिकन को थोड़ा कड़क बनाता है। तो कढ़ाई में तेल तो डाल लिया है और तेल भी जल गया है, तो इसको बनाते हैं अब। इस कढ़ाई जल गई है, तेल काफ़ी गर्म हो गया है, तो मैं इसमें डालती हूँ। तो दोस्तों इसको हम हल्की आंच में पकाएंगे ताकि ये अंदर तक पूरा पक सके, अगर तेज आंच करेंगे तो ये जल जाएगा। तो इसे पलट देते हैं थोड़ा सा, इसको पलटने का टाइम आ ही गया है। तो गाइस यहाँ पे मेरे चिकन के साथ साथ रोटियाँ भी बन रही हैं, यहाँ पे चिकन धीमी आंच मैंने रखा है और उस साइड पे रोटी भी बेल रही हूँ, फटाफट जल्दी हो जाएगा। वैसे मुझे चिकन खाना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फ्राई वाला चिकन मिल जाता है तो मैं खा ही लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा अच्छा लगता है मुझे। तरी वाला अगर बनाते हैं हम तो बहुत कम खाती हूँ मैं, मतलब एक टुकड़ा या 2 टुकड़े से मुझसे ज़्यादा खाया नहीं जाता है। ये वाला तो मुझे जितना भी दे दो मैं खा ही लेती हूँ। तो गाइस तैयार हो गया है हमारा गर्मा गर्म चिकन और मैंने सब फ्राई कर दिया है, तो अब हम करते हैं डिनर और इस व्लॉग को यहीं एंड कर रहे हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करना मेरी अगली वीडियो के लिए। मिलेंगे कल अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।